प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने यहाँ तक प्रोग्राम किया था, ये स्क्रीन ड्रा करते थे, उसके बाद ये लाइनें ड्रा करते थे, उसके बाद अगर प्लेयर वन क्लिक करता है तो इधर सर्कल ड्रा हो, अगर प्लेयर टू क्लिक करता है तो एक्स ड्रा हो, इस तरह करते रहना जब तक बोर्ड फिल ना हो। अब आज की वीडियो में हमने जो प्लेयर जीता है तो उसके लिए चिक कंडीशन लगानी है, विन चिक विन, के वो जीता के नहीं जीता। उसके बाद जो प्लेयर जीतता है तो अगर वो रो में जीतता है तो रो में इस तरह लैंड रहा हो, अगर वो डायगनल में जीतता है तो डायगनल में लैंड रहा हो। उसके लिए हमें सबसे पहले इधर एक कांस्टेंट चाहिए जो मैंने बना दिया है, विन लैंड विड्थ, ये प्रीवियस ट्यूटोरियल में नहीं था, अब ये इस ट्यूटोरियल में है। विन जो जीता उसके लाइन का विड्थ कितना रखना है, जो वो ड्रा होगा लाइन उसके ऊपर, जोन जीरो में वो जीतता होगा या कॉलम में। उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस बनाने हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं ड्रा डिव ड्रा वर्टिकल लाइन। अगर प्लेयर वर्टिकली जीतता है, कोई भी प्लेयर वन या प्लेयर टू, तो हमने लाइन ड्रा करना है वर्टिकल, उसके लिए ये फंक्शन बनाया हमने। कॉलम हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कॉलम में लाइन ड्रा करना है, और प्लेयर का पता होना चाहिए ताकि कलर लाइन को वही दे दे जो प्लेयर जीतता है। उसके लिए हमें दो रिक्वायरमेंट है, एक प्लेयर की एक कॉलम की। उसके बाद लाइन ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें पोजीशन एक्स पता होना चाहिए कि लाइन स्टार्ट कहाँ से होनी है। उसके बाद कॉलम मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर साइज प्लस स्क्वायर साइज डिवाइड बाय टू, ये फार्मूला काम इस तरह करता है कि अगर कॉलम वन है जीरो, ये कॉलम जीरो हो गया, ये कॉलम वन हो गया, ये कॉलम टू। अब अगर कॉलम वन है तो स्क्वायर की साइज अगर हमने 200 पिक्सल रखी है तो इसको वन से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 200, तो इस एरिया को ये स्किप कर देगा पोजीशन एक्स, क्योंकि 200 इधर से स्टार्ट होता है, 200 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इस एरिया को स्किप कर देगा। अगर कॉलम वन है, वन कॉलम ये वाला है, इस लाइन को स्किप करके अब वन, इस 200 को हाफ में हमने डिवाइड करना है ताकि लाइन यहाँ से स्टार्ट हो वर्टिकली, तो उसके लिए हमने लिखना है प्लस स्क्वायर साइज जो कि वो है 200 डिवाइड बाय 2, तो ये 100 आ जाएगा। तो इसके साथ जब 100 प्लस हो तो आ जाता है 300, और 300 यहाँ तक की वैल्यू है। अच्छा, अब इसके बाद हमने प्लेयर का कलर पता लगाना है कि कौन सा प्लेयर था, तो कलर लाइन को वही दे दे जो भी प्लेयर हो सिलेक्टेड। उसके लिए हमने लिखना है कलर इक्वल टू सर्कल कलर एफ प्लेयर वन, अगर वो प्लेयर वन है तो सर्कल कलर दे दो, एल्स क्रॉस कलर। उसके बाद हमने लाइन ड्रा करना है, पाई गेम डॉट ड्रा डॉट लाइन स्क्रीन कलर ड्रा, हमने स्क्रीन पे करना है, कलर वही देना है जो भी प्लेयर हो, स्टार्ट कहाँ से करना है पोजीशन एक्स से, और 15 पिक्सल वाई पे छोड़ के। उसके बाद हमने एंड कहाँ पे होना है लाइन का, पोजीशन एक्स के कौन सा कॉलम है ये पता होना चाहिए, और हाइट -15, हाइट की टोटल हाइट से 15 पिक्सल लेस होना चाहिए लाइन की लेंथ, और उसके बाद लाइन को विड्थ कितना देना है, तो जो भी प्लेयर जीते वही विड्थ हमने देना है। तो लाइन विन लाइन विन लाइन विड्थ विनर लाइन विड्थ
ये हमारे पास हो गया फंक्शन वर्टिकली लाइन ड्रा करने के लिए। उसके बाद आता है ड्रा हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल के लिए हमें रो पता होना चाहिए और प्लेयर, और इसमें पोजीशन वाई इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाई ये उसका अपोजिट है, बाकी फार्मूला सेम ही है, स्क्वेयर साइज डिवाइड बाय टू, कलर इक्वल टू सर्कल कलर एफ प्लेयर वन, एल्स क्रॉस कलर। लाइन ड्रा करना है हमने तो लाइन के लिए लिखते हैं पाई गेम डॉट ड्रा डॉट लाइन। स्क्रीन पे ड्रा करना है, कलर उसको भी देना है जो भी प्लेयर हो। उसके बाद हमने एक्स एक्सिस पे लाइन 15 पिक्सल्स आगे से स्टार्ट करना है, वाई एक्सिस का हमें फार्मूले से पता चल जाएगा कि कौन सी रो है। उसके बाद एंड विड्थ पे, विड्थ से 15 पिक्सल कम होना चाहिए एंड एक्स एक्सिस में। और वाई उसका जो है वो हमें फार्मूले से पता लग जाता है, कॉमा वेन लाइन विड्थ। ये हमारे पास दो फंक्शन आ गए हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रा करने के लिए जो भी प्लेयर जीतता है। इसके बाद आता है हमारे पास डायगनल डिफ ड्रा एसेंडिंग एएससी डायगनल, और इसमें हमें प्लेयर का पता होना चाहिए, कॉलम और रो का इसमें नहीं है ज़रूरत। प्लेयर का पता लगा कि हमने कलर चूज करना है कि लाइन का कलर कौन सा होना चाहिए, कलर इक्वल टू सर्कल कलर, सर्कल कलर। एफ प्लेयर इक्वल टू वन, एल्स क्रॉस कलर। उसके बाद हमने लाइन ड्रा करना है पाई गेम डॉट ड्रा डॉट लाइन। लाइन हमने स्क्रीन पे ड्रा करना है, कलर उसको वही देना है जो भी प्लेयर जीता हो। उसके बाद हमने 15 पिक्सल्स एक्स पोजीशन लेना है और वाई की पोजीशन लेना है, हाइट -15। उसके बाद लेना है विड्थ, लाइन का एंड का हमने बताना है, तो विड्थ -15 कामा 15, वाई एक्सिस उसका यही होना चाहिए। तो ये असेंडिंग डायगनल लाइन ड्रा करेगा, उसके बाद उसकी विड्थ लिख या विन लाइन विड्थ रखनी है। ये आ गया डायगनल पे लाइन ड्रा करने का फंक्शन। इसके बाद है डिप ड्रा डिसेंडिंग डायगनल लेयर। इसमें भी हमें प्लेयर का पता होना चाहिए, कलर कलर के हमें कलर पता लग जाए कि प्लेयर कौन से ने जीता, वही सेम बाकी तीनों के साथ सेम ही है। सर्कल कलर प्लेयर इक्वल टू वन, एल्स क्रॉस कलर। लाइन हमने ड्रा करना है बाई गेम डॉट ड्रा डॉट लाइन। स्क्रीन पे ड्रा करना है, कलर उसको वही देना है जो प्लेयर जीता हो, विड्थ -15 कम हाइट -15 विनर लाइन विड्थ। इसके बाद एक और फंक्शन है, जब हमारे पास कोई भी प्लेयर जीतता है लाइन ड्रा हो, उसके बाद रिस्टार्ट की फंक्शन, रिस्टार्ट का फंक्शन बनाना है हमने। अगर प्लेयर आर
बटन प्रेस करता है तो रिस्टार्ट हो जाएगा गेम दोबारा से, स्क्रीन एम्प्टी हो जाएगा और उसको कलर दिया जाएगा जो हमने कलर चूज किया हुआ है बैकग्राउंड कलर। दोबारा से सारा स्क्रीन एम्प्टी होके उसका कलर आ जाएगा बैकग्राउंड कलर। फिर उसके बाद दोबारा उस पर लाइन्स ड्रा करनी है। उसके बाद बोर्ड की सारी वीडियोस हमने जीरो करनी है, तो पर रो इन रेंज बोर्ड रोज पर कॉलम इन रेंज बोर्ड कॉलम बोर्ड रो कॉलम इक्वल टू जीरो। इसकी हर एक वैल्यू को जीरो करो ताकि प्लेयर फिर जिस जगह पे क्लिक करें उधर पहले से वैल्यू ना हो वन या टू। अगर जीरो तो वो हमें अवेलेबल स्क्वायर का रिटर्न ट्रू करता है और उधर फिगर ड्रा हो जाता है। अब हमने इन फंक्शंस का यूज करना है, यूज कैसे करना है कि कौन प्लेयर जीता। अब जीतने के लिए हमने फंक्शन कोई नहीं बनाया, तो अब हमने जीतने के लिए फंक्शन बनाना है और वो हम बनाते हैं इधर डेफ चेक व्हेन के कौन प्लेयर जीता उसका ये फंक्शन है। प्लेयर आएगा इसको वर्टिकल व्हेन चेक वर्टिकल ये चेक होगा पर कॉलम इन रेंज बोर्ड कॉलम्स एफ बोर्ड जीरो कॉलम इक्वल टू प्लेयर एंड बोर्ड वन कॉलम इक्वल टू प्लेयर एंड बोर्ड टू कॉलम इक्वल टू प्लेयर ड्रा वर्टिकल लाइन। और हम उसको यहाँ से कॉलम का भी बता देंगे और प्लेयर का भी बता देंगे। उसके बाद ये फंक्शन रिटर्न ट्रू भी कर देगा। उसके बाद हमने हॉरिजेंटल चेक करना है, अगर हॉरिजेंटली कोई प्लेयर जीता हो हॉरिजेंटल वैन चेक। इसके लिए लिखते हैं पार रो इन रेंज बोर्ड रोज एफ बोर्ड रो जीरो इक्वल टू प्लेयर एंड बोर्ड रो वन इक्वल टू बोर्ड रो वन इक्वल टू प्लेयर एंड बोर्ड रो टू इक्वल टू प्लेयर ड्रा हॉरिजेंटल लाइन। और उसको रो भी भेजना है और प्लेयर भी भेजना है। तो उसके बाद आता है असेंडिंग डायगोनल व्हेन चेक एफ बोर्ड टू जीरो इक्वल टू प्लेयर एंड बोर्ड एंड बोर्ड वन वन इक्वल टू प्लेयर एंड बोर्ड जीरो टू इक्वल टू प्लेयर ड्रा असेंडिंग डायगोनल रिटर्न ट्रू। उसके बाद डिसेंडिंग डायगोनल वेन चेक करना है बोर्ड जीरो जीरो
equal to player and board 11 equal to player and board 22 equal to player draw descending diagonal player return true अगर इन सब में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर ये रिटर्न कर देगा फॉल्स कि किसी प्लेयर ने नहीं जीता। अब इसको हम रन करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने मेन फंक्शन में आके इसको कॉल करना है। इधर हमने लिखना है एफ चेक व्हेन और भेजना है यहाँ से प्लेयर। अगर कोई भी प्लेयर जीतता है तो गेम ओवर इक्वल टू ट्रू, तो ये गेम को ओवर कर लेगा। उसके बाद रिस्टार्ट की फंक्शनलिटी को हमने यूज करना है। रिस्टार्ट की फंक्शनलिटी के लिए हमने इधर लिखना है एप इवेंट डॉट टाइप इक्वल टू पाई गेम डॉट कीबोर्ड बटन डाउन की डाउन। अगर कीबोर्ड पे बटन प्रेस होता है तो उसके लिए पाई गेम का ये इवेंट लगाते हैं। अब अगर इवेंट डॉट की देखना है हमने, अगर वो इक्वल टू अगर वो पाई गेम के कीबोर्ड की कीबोर्ड की आर की वैल्यू के बराबर हो तो सबसे पहले इसने रिस्टार्ट फंक्शन को कॉल करना है। उसके बाद प्लेयर इक्वल टू वन करना है कि दोबारा डिफ़ॉल्ट प्लेयर स्टार्ट हो, और गेम ओवर इक्वल टू फॉल्स कि लूप ये वाला ख़त्म ना हो। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो वो एग्जिट कर लेगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। प्लेयर वन प्लेयर टू प्लेयर वन प्लेयर टू प्लेयर वन प्लेयर टू वन लैंड ड्रा नहीं हुआ, इसमें कोई मसला रिस्टार्ट फंक्शनलिटी चल रहा है लेकिन लाइन नहीं ड्रा हुआ, वर्टिकली हुआ लेकिन डायगोनल में नहीं हुआ। और ये जीता ये फंक्शनलिटी चल रहा है, इधर का भी चल रही है। रो का भी चल रहा है, इस रो का भी चल रहा है। ये भी चल रहा है लेकिन इस वाले डायगोनल में कोई इशू है। इसकी इशू को फाइंड करने के लिए हमने आना है डिसेंडिंग डायगोनल सर्कल कलर फाइंड करके। पाई डॉट ड्रा डॉट लाइन इधर हमने पेरेंथेसिस भूल गए थे और प्लेयर नहीं भेजा था। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं। ये था हमारा लास्ट ट्यूटोरियल। अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।